नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। आमतौर पर सभी डॉक्टर मरीज को देखकर उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, पर्चे में लिखकर देते हैं ताकि मरीज फार्मासिस्ट के पास जाए और वह दवाइयां ले सके। फार्मासिस्ट पर्चे में लिखी दवाइयों को पढ़कर दवाएं देता है, लेकिन सतना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागौत के डॉक्टर का लिखा एक पर्चा जमकर वायरल हो रहा है। पर्चे में किस दवा का नाम लिखा है यह पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बताया जा रहा है कि पर्चा लिखने वाले डॉक्टर का नाम अमित सोनी है, जो कि नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं। पर्चे के अनुसार अरविंद कुमार सेन नाम का व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल गया था। ओपीडी में पर्चा बनवाने के बाद वह डॉक्टर अमित सोनी के पास गया, जिन्होंने पर्चा कुछ अंदाज में लिखा कि उसे पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है। शायद पर्चे को देखकर स्वयं डॉक्टर साहब भी नहीं बता पाएंगे कि आखिर कौन सी दवा लिखी गई है। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने ओपीडी पर्ची में इस प्रकार से दवाइयां क्यों लिखी कि कोई उसे पढ़ ना पाए। इस पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर अमित सोनी ने मरीज को अपनी प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया था। मरीज अरविंद कुमार सेन निवासी रहिकवारा के पास पैसे नहीं थे, क्लिनिक में जाने से मना कर दिया। शरीर के दर्द से पीड़ित अरविंद की बातें सुनकर डॉक्टर भड़क गए और उन्होंने कुछ इस अंदाज में पर्चा लिख दिया, जिसको पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। नागौर अस्पताल के डॉक्टर अमित सोनी का यह कृत्य देखने के बाद सभी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस डॉक्टर की ट्रोलिंग कर रहे हैं। आम लोग यह मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के इस प्रकार से पर्चा लिखने की वजह स्पष्ट हो, साथ ही उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की हरकत करने से बच जाए।